हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स यूनिट में बात करेंगे वर्कशीट नंबर 5 ऑफ यूनिट 3, जो किस पर बेस्ड है। वो बेस्ड है फैक्टर्स पर। तो हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या है। उससे पहले फैक्टर्स का दो एग्जांपल लिए हैं। मान लेते हैं कि 12 मैंगोज़ है हम लोगों के पास। कितने मैंगोज़ हैं? 12। दो ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 फ्रेंड्स है और दूसरे ग्रुप में 5 फ्रेंड्स है। 4 फ्रेंड्स वाले ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे हम लोग मैंगोज़, कितने मैंगोज़ है? 12। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 फ्रेंड्स वाले ग्रुप में, तो हर फ्रेंड को कितना मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग 12 को, कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। हर फ्रेंड को कितना मिल गया? 3 मैंगोज़ मिला। कितना मैंगो मिला? 3। अब 5 फ्रेंड्स वाला दूसरा ग्रुप है, अगर उस टोकरी को उसको 4 फ्रेंड्स वाले को डिस्ट्रीब्यूट ना करके 5 फ्रेंड्स वाले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 / 5 = 5 से डिवाइड करते हैं 12 को हम लोग, 5 × 10, कितना बच गया? 2 बच गया रिमाइंडर। मतलब हर फ्रेंड को कितना मैंगो मिला? 2 मैंगो मिला, लेकिन रिमाइंडर भी बच गया। कितना? 2 बच गया रिमाइंडर। 2 मैंगोज हम लोगों के पास बच गया। तो जो नंबर पहले ग्रुप में हर फ्रेंड को 3 मिला बिना रिमाइंडर बचे हुए, तो वो फैक्टर हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर। मतलब 4 जो है 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। क्वेश्चन कितना आता है? 3 आता है, लेकिन 5 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन 2 आ रहा है, रिमाइंडर भी 2 आ रहा है, इसलिए 5 फैक्टर नहीं है 12 का, लेकिन 3 फैक्टर है 12 का। तो किसको बोलेंगे हम लोग फैक्टर? अ नंबर विच डिवाइड्स अदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर, विदाउट गिविंग रिमाइंडर। बिना रिमाइंडर दिए हुए अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं वर्कशीट नंबर 5 का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है बुक में। इज, इन क्वेश्चंस का आंसर देना, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 36? क्या 5 फैक्टर है 36 का? आंसर दिया हुआ है नो। क्यों नो? क्योंकि हम लोग 36 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो कोसेंट आता है, ये आंसर हम लोग का मिलता है 7, लेकिन रिमाइंडर भी बच जाता है। कितना रिमाइंडर बच जाता है? 1, इसलिए नो होगा। उसी तरह हम लोग 7, क्या 7 फैक्टर है 77 का? आंसर हो जाएगा यस। पूछा जा रहा है इज 7 अ फैक्टर ऑफ 77, तो आंसर क्या होगा? यस। हम लोग चेक कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे किसको? 77 को। 7 का टेबल में 1 टाइम में 7 आया, सब्ट्रैक्ट किए, ये 7 यहाँ उतर गया, 7 बन जा 77। तो इसमें डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 77 / 7 = 11, और रिमाइंडर कितना हो रहा है? 0। रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यस होगा। उसी तरह सी नंबर में देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको? 62 को। 8 के टेबल में 7 टाइम में 56 आता है और 6 रिमाइंडर बच जाता है हम लोगों का। तो 6 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ हो जाएगा नो। जिसमें भी रिमाइंडर बचेगा वो फैक्टर नहीं होगा, नो, बिकॉज हम लोग डिवाइड किए 62 को कितना से? 8 से। तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 7, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है कितना? रिमाइंडर बच जा रहा है 6। तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है, इसलिए नो होगा इसका। डी नंबर में 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? 9 से डिवाइड करेंगे 70 को। 9 × 7 = 63, यहाँ 7 रिमाइंडर बच गया। तो कोसेंट और रिमाइंडर दोनों क्या आ गया? 7 7। तो कुछ रिमाइंडर बचा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नो होगा आंसर, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 70 / 9 वी गेट 7 एज कोसेंट, और रिमाइंडर क्या मिल जाता है हम लोग को? 7, इसलिए क्या होगा? नो होगा। उसी तरह ई नंबर में हम लोग 120 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। 12 × 1 = 12 हुआ, कैंसिल हो गया, ये 0 नोट डाउन किए, 12 × 0 = 0, तो 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, बिना 10 टाइम में 120 आ गया बिना रिमाइंडर बचे हुए, तो क्या हो जाएगा? यस,
120 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 10, रिमाइंडर इज ज़ीरो। रिमाइंडर ज़ीरो है इसलिए ये फैक्टर होगा, 12 फैक्टर होगा किसका, 120 का। उसके बाद एफ नंबर में इज 15 अ फैक्टर ऑफ 100, 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे 100 को, ये सब रफ वर्क कर रहे हैं हम, 15 से डिवाइड करेंगे 100 को, 15 सिक्स जा 90, रिमाइंडर बच रहा है 10, तो क्या हो गया, नो हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिमाइंडर बच रहा है। 100 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 15 से, तो आ रहा है 6% और रिमाइंडर बच रहा है 10, तो रिमाइंडर अगर बचता है तो फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 15 फैक्टर नहीं होगा 100 का। अब 20 से 140 को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्टली डिवाइड करता है देखते हैं। हाँ, डिवाइड करेगा 7 टाइम में आ जाएगा 140, तो क्या हो जाएगा, यस होगा इसका आंसर, क्योंकि 140 डिवाइडेड बाय 20 गिव्स 7 और रिमाइंडर बच रहा है 0। एच नंबर में देखेंगे हम लोग 6 से 284 को डिवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्टली डिवाइड करता है देखते हैं हम लोग। 6 4 जा 24, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट किए 4 हो गया, 4 यहाँ नोट डाउन करेंगे, 6 7 जा 42 हो गया, रिमाइंडर बच गया 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए तभी फैक्टर होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज व्हेन 284 इज डिवाइडेड बाय 6 वी गेट 47, बट देयर इज रिमाइंडर, रिमाइंडर बच जाता है, कितना रिमाइंडर बचता है 2, इसलिए क्या होगा, 6 जो है वो 284 का फैक्टर नहीं होगा। सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में भरना है, तो बोला जा रहा है 2 × 7 इज इक्वल टू 14, डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 14, तो फैक्टर्स कौन कौन हो गए 14 के, 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7 टेंस में डिवाइड होता है इसलिए 2 फैक्टर है, 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, वो भी डिवाइड करता है एग्जैक्टली बिना रिमाइंडर दिए हुए, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी ये दोनों फैक्टर हो गए, 2 और 7 फैक्टर्स हो गए किसके, 14 के, तो ब्लैंक में 2 और 7 भर देंगे हम लोग। सेकेंड नंबर में 3 और 8 उसी तरह फैक्टर्स हो जाएगा किसका, 24 का, तो ब्लैंक में कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। 5 एंड 7 फैक्टर्स है 35 का, तो 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35, ब्लैंक में क्या भरेंगे हम लोग, 35 भरेंगे। नेक्स्ट 4 और 5 फैक्टर्स है 20 का, 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है, तो 20 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, तो यहाँ ब्लैंक में क्या भरेंगे, फैक्टर्स भरेंगे, फैक्टर्स। नेक्स्ट है 7 × 8 इज इक्वल टू 56, 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, यानी कि 7 के टेबल में 8 टाइम्स में 56 आ रहा है और 8 के टेबल में 7 टाइम में 56 आ रहा है, तो 7 और 8 दोनों 56 के फैक्टर्स हो गए, तो 7 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 56, ये हम लोगों का सेकेंड नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये सारे आपके नंबर्स दिए हुए हैं ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है, उसको हमने मल्टीपल्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिख लिया टेबल के फॉर्म में, जैसे कि 12 है फर्स्ट नंबर, ए नंबर 12 है, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 1 × 12, कितना आता है आंसर, 12 आता है, 2 × 6 भी 12 आता है, 3 × 4 भी 12 आता है, और कोई टेबल नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इधर से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6 12, ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके, 12 के, तो लिख देंगे 1 2 3 4 6 and 12, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12। उसी तरह बी नंबर में लिख रखा है मैंने पहले से, 1 × 32 32 हो गया, 2 × 16 32, 4 × 8 32, तो फैक्टर्स हो गए 32 के, 1 2 4 8 16 and 32। सी नंबर भी उसी तरह हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 7 14 and 28। डी नंबर देखेंगे,
35 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 35 लिखा जाता है, 5 जा सकता है, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, और किसी को मल्टीप्लाई करके 35 नहीं आता है। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 5, 7 और 35। उसी तरह ई नंबर में 1, 3, 5, 9, 15 और 45 हो जाएंगे फैक्टर्स, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। 60 का क्या हो जाएगा, एफ नंबर में ढेर सारे फैक्टर्स है, 1 इंटू 60 करते तो भी 60 आता है, 2 इंटू 30 60 आता है, 3 इंटू 20 60 आता है, 4 इंटू 15 60 आता है, 5 इंटू 12 60 आता है, 6 इंटू 10 60 आता है। तो फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इधर से 20, 30, 6 के बाद 10, 12, 15 यहाँ से लिखेंगे, 10, 12 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, 15 उसके बाद 20, 30 और 60, 20, 30 और 60। उसी तरह जी नंबर का हो जाएगा 50 के लिए 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 लिखा जा सकता है। तो 1 और 50 हो गया, 2 और 25 हो गया और 5 और 10 हो गया, फैक्टर्स किसका, 50 का। तो लिख डालेंगे 1, 2, 5, 10, 25, 50। एच नंबर में देखेंगे, एच नंबर में 6 फॉर्म मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, 6 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, 1 इंटू 72, इसी तरह करके लिखा जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 9, 12, 18, 24, 36, 72, 24, 36 and 72। ये सारे फैक्टर्स हो गए 72 का। 96 का उसी तरह 6 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, 1 इंटू 96, 2 इंटू 48, 3 इंटू 32, इस तरह करके 8 इंटू 12 तक लिखा जा सकता है। ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब 3 32, 2 48, ये सब फैक्टर्स हैं किसके, 96 के। तो क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, फिर 32, 48, 96, 32, 48 and 96, ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके, 96 के। उसी तरह 84 का देखेंगे क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 7, उसके बाद 12, 14, 21 और 28, 42 and 84, ये सारे फैक्टर्स हो गए 84 के। उसी तरह 88 का क्या होगा, 1 इंटू 88, 2 इंटू 44, 4 इंटू 22 और 8 इंटू 11 लिखा जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, क्या क्या, 1, 2, 4, 8, यहाँ से 11, 22, 44 और 88, ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके, 88 के। अब लास्ट वन है 71। 71 एक प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है, वन और इटसेल्फ फैक्टर्स होता है। तो वन और इटसेल्फ आगे हम लोग जानेंगे। तो 1 इंटू 71 लिखा जा सकता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गया, 1 एंड 71 ओनली, किसका, 71 का। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।